लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट की थी, जिसका फॉर्मूला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी कि वह पर यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, वह हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता था। अब इसके बाद हमने बात की थी कि वह ऑब्जेक्ट अगर अर्थ का केस लिया जाए तो वही फील्ड इंटेंसिटी हम ग्रेविटी से रिप्रेजेंट कर देते थे, यानी ग्रेविटी की वैल्यू होती थी कि जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम सरफेस की बात करें, अदरवाइज कोई भी एक डिस्टेंस की बात हो जाती है यहाँ पर। तो ये हमने पढ़ा था, अगर वेक्टर की फॉर्म में जाएं तो ये नेगेटिव साइन हमने इसलिए दिया है कि एक हमारा अट्रैक्टिव नेचर को शो कर सके, इस टाइप की बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह किस टाइप से वेरी करता है, मीन सरफेस पे अलग होगा, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तब उसकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा होती है, नीचे जाएंगे तो भी कम या ज़्यादा होगी, मतलब चेंज आता है, उस चेंज को पढ़ेंगे हम। तो अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस के ऊपर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्केयर होता है, इसको हम डेंसिटी की फॉर्म में भी वो लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मास न देकर डेंसिटी की फॉर्म में दे देता है न्यूमेरिकल। तो सपोज डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने रो मान ली, डेंसिटी होता है कि मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 πr³। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 4/3 πr³ आ गई। अब ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट की जाए तो जी की वैल्यू आ जाएगी सरफेस के लिए, जी मास ऑफ अर्थ की जगह हम पुट कर देंगे 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई आर ई का स्केयर। अब आर ई स्केयर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी तो जी की वैल्यू बच जाएगी सरफेस के लिए 4/3 πr³। ये वैल्यू सरफेस के लिए जी की वैल्यू बच जाती है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन ऑफ जी यानी जी के अंदर किस किस टाइप से वैल्यू वेरी होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की, कि अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा विद हाइट, यानी हाइट के हिसाब से कितना चेंज आएगा जी की वैल्यू में। सपोज ये अर्थ मान लिए, ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, हम इसे एच हाइट ऊपर की बात कर रहे हैं, एच हाइट यहां पर एक पी पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट अर्थ सरफेस से स्मॉल एच मान ली हमने, इस पी पॉइंट पे हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, ये तो बात हमने सरफेस की थी, तो हम डायरेक्टली जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर लगा देते थे। अगर कोई भी डिस्टेंस स्मॉल आर ली जाए तो उस केस में जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा। अब आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, यानी सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा आर होता है, आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच होगा। ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखी जाए तो ये जी ड्यू टू हाइट अगर हम निकालें तो जी एच इसको रिप्रेजेंट कर दो, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर इससे मैं आर ई कॉमन लूँ तो वैल्यू आएगी हमारी जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, अगर होल स्क्वायर से कॉमन आएगा तो आर ई का स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बच जाएगा 1+h/re का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये वैल्यू सरफेस के ऊपर जो होती है ये वैल्यू, ये फॉर्मूला सेम टू सेम यही है कि सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने जी माना था कि जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर यानी इस वैल्यू को पुट किया जा सकता है स्मॉल जी से डिवाइडेड बाय
वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये चीज बच गई। अब अगर इस होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाएं, अगर हम होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाएंगे तो g इंटू वन माइनस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू आएगा, क्योंकि प्लस टू पावर थी ऊपर जाकर नेगेटिव पावर हो जाती है तो माइनस टू पावर आ गया। एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो एंड x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो उस केस के अंदर अगर इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। हमें ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। फिजिक्स में बहुत बार आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी कि 1 प्लस समथिंग की पावर होगी, चाहे फ्रैक्शन में पावर हो, चाहे नेगेटिव पावर हो, चाहे पॉजिटिव पावर हो, हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट पावर हम यहाँ लगा देते हैं। रीजन इसका, बाइनोमियल जब थ्योरम जब भी मैथमेटिकल टूल में करवाई जाती है तो उस टाइम हम वहाँ पर इसका रीजन भी देख लेते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसकी स्केयर क्यूब करते जाएंगे ना तो क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो होती जाएगी, तो उस केस में हम आगे वाली क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं, पहली दो क्वांटिटी ही हम याद रख लेते हैं। खैर ये तो बातें 11th मैथ्स की हैं। तो हम इसमें ये रूल कैसे लगाएंगे कि जी ड्यू टू हाइट कितना होगा, जी इंटू ये क्या चीज़ है, ये वन प्लस है, यहाँ पर पावर तो ये नेगेटिव हुई है ना, तो वन प्लस एच की पावर एच बाई आर ई की होल पावर माइनस टू थी ना, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस टू पावर आगे आ जाएगी तो ये माइनस टू यहाँ आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच डिवाइडेड बाई आर ई। ये आंसर कब है, जब h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई हो, ये बात आप ध्यान रखना स्पेशल, क्योंकि h बहुत ज़्यादा छोटा होगा आर ई के कंपेयर में तभी तो ये क्वांटिटी जो होगी हमारी नीचे वाली, ये h डिवाइडेड बाय आर ई, ये एक से बहुत ज़्यादा छोटी होगी तभी तो हम ये रूल लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है यह है इस स्पेशल केस के लिए। जी एट सरफेस क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर ई स्केयर या एम ई से रिप्रेजेंट कर दो। जी एट हाइट क्या होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई हाइट की जो वैल्यू आएगी वह आर ई प्लस एच का होल स्केयर आएगा, और उसी का स्पेशल केस, एक स्पेशल केस को डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन आर ई हो, उस केस के अंदर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू वन माइनस टू एच डिवाइडेड बाई आर ई। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसका रीज़न वहाँ पर भी लिख दिया गया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड एच फॉर जी एच इज इक्वल टू जी बाई टू, यानी उस हाइट की वैल्यू बताओ जिस हाइट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस के कंपेयर में आधी रह जाए। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक तो अंदाजा आप खुद लगाओ कि g की वैल्यू है सरफेस के ऊपर, अगर बहुत थोड़ी सी ऊंचाई, मतलब एक दो 10 मीटर 20 मीटर की बात करें तो उस केस तक तो हम ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट g ही रहती है वैल्यू हमारी। अब यहाँ पर हमारा जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई टू, यानी जस्ट आधा हो रहा है, तो आधे के केस में हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाइट हमारी वेरी वेरी लेस देन आर ही होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हाइट होती है, 5-10 किलोमीटर तक की बात चले तो हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। अब अगर हमें ये चीज़ दे दी जाए कि हाइट के कारण एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस का आधा रह जाए, तो ये जो केस है ना हमारा वो केस नहीं होगा, ये केस हमारा जो इनिशियल जो इसका ओरिजिनल केस है वही लेके चलेंगे हम।
तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वह होगा जी एच इज इक्वल टू जी इंटू जो हमने यहाँ पर ये मोमेंट लगाई थी लास्ट में जाकर हमारा ये रिजल्ट आया था, यही यूज करेंगे हम कि जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी एच हमें कितना दे रखा है, जी बाई टू दे रखा है, यह वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल, ये वैल्यू दो के बराबर आ जाएगी। यानी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो 1 प्लस एच ई अपॉन आर ई इज इक्वल टू रूट टू आ गया, तो एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन आ गया, तो एच की वैल्यू रूट टू माइनस वन इंटू आर ई आ गया। यानी इतनी हाइट पर जाकर जी की वैल्यू हाफ रह जाती है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखो कि फाइन जी एच फोर एच इज इक्वल टू आर अपॉन थाउजेंड दे दिया, एच इज इक्वल टू आर ई दे दिया। इन दो केस के लिए जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। जैसे फर्स्ट केस में तो हमसे हाइट पूछ ली कि वो हाइट बताओ जिस केस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हो जाता है, तो हमने वो सॉल्व कर लिया। इतना हमने सोचा कि आधा हो रहा है इसका मतलब हाइट छोटी मोटी तो मिलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमारी हाइट बिल्कुल छोटी की बात चले यानी 5-10 किलोमीटर तक की ही बात चले तो हम ये डायरेक्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये आगे कर रहे हैं अपन सॉल्व। अब आर ई कितना होता है, 6400 होता है, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 6.4 किलोमीटर हो गया, तो 5-10 किलोमीटर के अंदर की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब इस केस के लिए यानी फर्स्ट केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जी एच होगा हमारा जी इंटू वन माइनस एच की वैल्यू है आर ई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आर ई मल्टीप्लाइड बाई ये टू थाई। तो आर ई से आर ई कैंसल, जी इंटू वन माइनस वन बाई 500, तो 499 डिवाइडेड बाई 500 जी, ये वैल्यू आ जाएगी जी एच की। इसी के ही अगर सेकंड केस की बात करें, इसी का ही सेकंड केस कि h इज इक्वल टू आर ई, हाइट हमें रेडियस के बराबर दे रखी है यानी हाइट भी 6400 किलोमीटर दे रखी है, तो 6400 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर के बराबर थोड़ी ना होता है। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपनी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम अपना फॉर्मूला ओरिजिनल यूज करेंगे। यानी जी एच की जो वैल्यू होगी वह होगी, अगर इसमें से आर ई अगर कॉमन लिया जाए तो हमारा फॉर्मूला तो यही आएगा ना, जी डिवाइडेड बाई वन माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्केयर, ये था हमारा फॉर्मूला। इसमें से अगर आर ई कॉमन लो तो आप अरेंज करके देख लेना, यही चीज़ें आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का होल स्केयर, क्योंकि एच की वैल्यू तो आर ई के बराबर दे रखी है हमें, तो आर ई से आर ई कैंसिल। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्केयर 4 हो गया, तो जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, यानी ओरिजिनल वैल्यू की 1/4 रह जाएगी अगर अर्थ की रेडियस जितनी ही हाइट पे अगर हम चले जाएंगे तो। तो ये तो था हमारा वेरिएशन ड्यू टू हाइट, ये हम अपना फर्स्ट केस मान के चल सकते हैं। ये तो सरफेस का था, फर्स्ट केस अपना है कि हाइट के कारण क्या वेरिएशन होता है, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि ड्यू टू डेप्थ अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो क्या वैल्यू होती है, किस हिसाब से वेरी होता है ये चीजें। सेकंड है हमारा ड्यू टू डेप्थ, सपोज ये अर्थ
ये अर्थ की रेडियस आर ई। अगर हम इसमें डी डेप्थ नीचे एक पी पॉइंट लेते हैं, यानी ये डेप्थ हमारी कितनी हो गई डी, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो याद करो जब हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात की थी तो उसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी मानकर इतने ही स्फीयर का चार्ज निकाला था, क्योंकि इतना स्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है इस पी पॉइंट के लिए। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर मास की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इतने स्फीयर का मास ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस बात के लिए। इसका कंप्लीट मास एम मान लिया हमने, तो इस छोटे स्फीयर का मास मान लेंगे एम डैश होगा। तो सबसे पहले तो हम यह एम डैश ही निकाल लेते हैं कि एम डैश कितना होगा। तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यू। तो एम डैश की वैल्यू कितनी आएगी कि एम डैश जो हमने छोटा स्फीयर माना है उसका मास कितना होगा, उसका मास होता है डेंसिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है छोटे स्फीयर का। छोटे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, हम डी डेप्थ नीचे आ चुके हैं तो ये जो रेडियस होगी इस छोटे स्फीयर की रेडियस तो हमारी आर ई डी माइनस डी होगी ना, क्योंकि कंप्लीट आर ई थी इसमें से हमने डी घटा दिया तो आर ई माइनस डी ई रेडियस का हमारा स्फीयर बन गया। तो एम डिवाइडेड बाई ये तो वॉल्यूम, ये तो होगी हमारी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई उसकी वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर ई माइनस डी इसकी क्यूब आ जाएगी। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया तो एम डैश की वैल्यू आई हमारी एम इंटू आर ई माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया इस डेरिवेशन का। अब बात करें कि जी डी कितना होगा, जी डी की वैल्यू होगी जी इतने ऑब्जेक्ट का यानी इतनी अर्थ का मास कितना है हमारा एम डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है हमारी आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब एम डैश की हम वैल्यू पुट करेंगे कि जी डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर तो था ही कॉमन, मल्टीप्लाई कर दिया हमने एम डैश को कि एम आर ई माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। तो ये होल स्क्वायर था और ये क्यूब था तो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एक पावर बच जाएगी, जी डी की वैल्यू रह जाएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब आर ई माइनस डी। अगर हम इससे एक आर ई कॉमन लेते हैं बाहर तो ये तो जी एम डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब था, हम इसमें से अगर एक आर ई कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा 1-d डिवाइडेड बाय आर ई बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो आर ई आ गया तो 1 बच गया, d डिवाइडेड बाय आर ई आ जाएगा। अब ये क्यूब और ये सिंपल 1 पावर है तो नीचे 2 पावर बच जाएगी तो हमारी वैल्यू बच जाएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर ई का तो होल स्क्वायर बच गया और 1-d डिवाइडेड बाय आर ई बच गया। अब ये चीज क्या है, ये तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही वैल्यू है। तो अगर ये इसमें वैल्यू पुट करें तो जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1-d अपॉन आर ई होता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट में एक चीज ये ध्यान रखना कि ये रिजल्ट इस टाइप का सिमिलर है ना, बट ये स्पेशल केस है इसका। ये स्पेशल केस क्यों है कि इसमें h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन रेडियस होना चाहिए तब जाकर हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। और ये जो केस है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि d की वैल्यू चाहे कुछ भी हो हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें अगर एक स्पेशल नोट की बात करूं मैं, अगर हम डेप्थ धीरे धीरे नीचे जाते जाते यहाँ पर चले गए अर्थ के सेंटर पे, यानी हम कहाँ चले गए d इज इक्वल टू आर ई सेंटर पे चले गए, हमारी डेप्थ रेडियस के बराबर हो गई, उस केस में
जी डी की वैल्यू कितनी होगी, जी इंटू वन माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो होता है, तो जी डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी जीरो, यानी अर्थ के सेंटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है। अब हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ हम वेटलेस होंगे, कि कहाँ कहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा, तो उसका एक स्पेशल केस ये भी ध्यान में रखना कि सेंटर के ऊपर जाकर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस चैप्टर के लास्ट में हम वेटलेसनेस की कंडीशन भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम सेंटर पे चले जाएंगे अर्थ के, तो उस केस के अंदर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी वहाँ पर एम जी हमारा वेट जो होगा वह जीरो हो जाएगा, हम वेटलेस फील करेंगे। तो ये एक डेप्थ के कारण डेरिवेशन थी, यानी हाइट का रिजल्ट हमारा ये आया। ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस किसका, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तब जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हमारा वेरिएशन था जी ड्यू टू डेप्थ, जो कि आया हमारा जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर ई के बराबर। अब डेप्थ के खैर ज़्यादा न्यूमेरिकल तो बनते नहीं, उसमें तो एक छोटी सी ये बात थी कि हम अगर हाइट रेडियस के बराबर ले लेते हैं तो हमें इस टाइप से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हम हाइट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5-10 किलोमीटर के अंडर रख लेते हैं तो हम डायरेक्ट अपने शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हैं, निकाल तो इससे भी सकते हैं, लेकिन इसमें आर ई डिवाइडेड बाई 1000 करो तो कैलकुलेशन टफ होती है और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमारा सेम ही आता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल बनेगा, मैं आपको कह दूंगा कि 20 किलोमीटर नीचे बताओ जी की वैल्यू क्या होगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 20 किलोमीटर, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ 9.81 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो वो खैर हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं कर रहे। एक अच्छा सा क्वेश्चन दोनों की रिलेशन पे बनता है, फाइन रिलेशन बिटवीन एच एंड डी फॉर विच जी एच इज इक्वल टू जी डी, यह एक स्पेशल केस है, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, यानी जी एच इज इक्वल टू जी डी होगा उस केस के अंदर एच और डी में क्या रिलेशन होगी, ये चीज़ हमें डिफाइन करनी है। और एच हम हाइट जो ले रहे हैं ना, वह अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के बिल्कुल नज़दीक ही है, मतलब सरफेस के नज़दीक ही है, एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई है, उसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करेंगे, डेप्थ के कारण ये जी होता है और हाइट के कारण ये जी होता है इस कंडीशन के लिए, तो दोनों को हम इक्वेट करके डी और एच के बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो जी एच हमारा कितना है, जी एच है हमारा जी इंटू वन माइनस टू एच डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर ई, ये दो चीज़ है ना। अब सारी चीज़ें तो कॉमन है, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकाल भी सकते हो, अदरवाइज कट पिट करके जैसे भी आप सोल्व करोगे तो आप खुद देखो कि ये 2h और ये d है, यानी d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2h के बराबर होगी, तो सारी सिमिलरिटी है ना हमारी। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हाइट और डेप्थ पे सेम होगा अगर हम डेप्थ 2h जितनी चले जाएं, यानी अगर हाइट हम 2 किलोमीटर ले रहे हैं तो उतना ही जी लेने के लिए हमें डेप्थ 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब हमारे जी की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये चीज़ कहना चाहता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।